बिहार में पोस्टमार्टम के बाद शवों की दुर्गति की जाती है, उन्हें डिस्पोजल नहीं किया जाता बल्कि उसे कुत्तों को खाने के लिए फेंक दिया जाता है। दरअसल यह मानवता को शर्मसार करने वाली खबर रोहतास जिले से आई है, जहां के सोन नदी में एक साथ दो शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। वहीं एक साथ दो शव मिलने से लोगों के द्वारा कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पुलिस भी परेशान रही कि आखिर डेड बॉडी आई कहां से, किसी ने हत्या कर फेंक दिया या फिर किसी थाना क्षेत्र से अपराधियों ने वारदात के बाद बॉडी को सोन या नहर में फेंक दिया, जिसके बाद बहकर शव पिलर में आ फंसा। बता दें कि डालमिया नगर इलाके के मकराइन के नजदीक सोन पुल के पाया के पास एक प्लास्टिक में लिपटा हुआ एक साथ दो शव पानी में पड़ा मिला। सुबह सुबह जब स्थानीय लोगों ने देखा तो इसकी सूचना डायल 112 को दी, जिसके बाद डेहरी नगर, डालमिया नगर व रेल पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थानीय लोगों की मदद से शव को पानी से बाहर निकालकर सोन नदी के किनारे लाया जा सका। वहीं मौके पर एफएसएल की टीम भी पहुंच गई, जिसके बाद 4 घंटों की मशक्कत के बाद डेड बॉडी को किनारे लाया जा सका। फिर पुलिस अधिकारियों व एफएसएल की टीम ने शव को प्लास्टिक के रैपर से बाहर निकलवाया और तफ्तीश शुरू कर दी। इधर मौके पर पहुंचे एएसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि जानकारी मिली कि सोन नदी में डीएफसीसी रेल पुल के नीचे दो शव मिले हैं। त्वरित कार्यवाही के दौरान डेहरी नगर थानाध्यक्ष शिवेंद्र कुमार व डालमिया नगर थानाध्यक्ष खुशी राज को मौके पर भेजा गया, जहां से शव को किसी तरह निकाल कर बाहर लाया गया, जिसकी जांच की गई। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया में पता चला कि दोनों शव का पोस्टमार्टम किया हुआ है। इसके अलावे भी क्या कुछ कहा एएसपी शुभांक मिश्रा ने, आप खुद सुन लीजिए। आज सुबह मॉर्निंग में सूचना मिली कि पिलर नंबर 87 पाए नंबर के पास दो बॉडी बंधी हुई मिली है। हम लोगों ने उसको निकाल के अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं घटनास्थल पर। तो दोनों बॉडी खोलने पर पता चला कि ऑलरेडी पोस्टमार्टम की हुई बॉडी है, दोनों में चीरा लगा हुआ है। तो हम लोग यही आशंका कर रहे हैं कि किसी न किसी आसपास थाने में या किसी संभवतः अभी तक जीआरपी थाने में होने की सूचना मिल रही है, हम लोग उसको वेरीफाई करवा रहे हैं। अगर उसमें क्लियर कट नहीं पता चलेगा तो हम लोग इसमें यूडी केस रजिस्टर करेंगे, अदरवाइज इसमें उसी जीआरपी थाने के थ्रू आगे। वहीं जिस तरह से पुलिस ने इन लावारिस शवों की दुर्गति की है, यह मानवता को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। दर्श न्यूज के लिए रोहतास से रवि की रिपोर्ट।